अपडेट को स्वागत करुछु अधूरी प्रथमे हेडलाइंस। कोटियारे तीन प्रमुख राजनैतिक दल आंत्रफल को विरोध कर एकाठी हेले बीजेपी कांग्रेस और बीजेडी ओडिशा पाई सहमति आंध्र को करुछन्ते विरोध फाटो सिलेरी रे कड़ा सुरक्षा बल। भद्रक कृष्णारानी मृत्यु घटना पुलिस ना आसला संगीन अभियोग। मृत्यु को प्रेम रूप देवा चेष्टा करुछि पुलिस। भद्रक पुरुणा बजार पुलिस ना अभियोग आने पर एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामला तृतीय दिन में क्राइमब्रांच तनाघना दुई एसपी और पांच वन कर्मचारी जेरा करुछि पांच जणिया टीम। पारलाखेमुंडी पुलिस स्टेशन परिसर में चली जेरा। राज्य में हजारे तलक खसला दैनिक संक्रमण। चौबीस घंटे 868 नुआ मामला। 18 वर्ष कम 104 आक्रांत चिन्हट। सेपटे पुणी 66 जीवन नेला महामारी। चारि मास पर जगा को देखिला आखि। श्रीमंदिर महाप्रभु को दर्शन कले श्रीक्षेत्रवासी। वार्डवारी दर्शन पर स्वतंत्र व्यवस्था। सिंहद्वार में प्रवेश। उत्तर द्वार में प्रस्थान। 23 रु सर्वसाधारण दर्शन। आज पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि। विजय घाट स्थित सदैव अटल परिसर में सार्वजनिक प्रार्थना सभा। श्रद्धांजलि जणाइले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह प्रमुख। अफगानिस्तान में तालिबान आतंक। देश छाड़िले राष्ट्रपति अशरफ घनी। देशर नुआ मुखिया होइपारंती तालिबान रो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। सेपटे जातिसंघ डाकिला इमरजेंसी मीटिंग। एवं आज नवम श्रेणी छात्र छात्री पाठपढ़ा। राज्य समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल में चलो क्लासरूम। सकाल 9 मध्याह्न 12:20 जाए पाठपढ़ा। कोविड गाइडलाइन मानिबा बाध्यतामूलक। आसिया संपूर्ण खबर को। कोटियारे तीन राजनैतिक दल कोटिया समेत कोरापुट जिलार 22 खंड गांव पर पड़ोसी आंध्रर नजर। जेकोसी उपाय सबू गांव को अख्तियार करने को योजना चलाई आंध्रप्रदेश। आज कोटियारे फलक लगवा को आंध्र योजना करुवा बेले विरोध करशार तीन प्रमुख दलर नेता सहमति भित्ति कोटिया गस्त करे। कांग्रेस बीजेपी और बीजेडी पक्षर कोटियारे आंध्र को विरोध कर। कोटिया सीमांत पहुंचला ओडिशा प्रशासन। ओडिशा प्रशासन रो बेरिकेड चित्र एवं सामना को आसी। कोरापुट जिला प्रशासन उपस्थित रे केमिति प्रस्तुत करा जाई आंध्र प्रशासन को आंध्र विधायक को जवाब देव। ओडिशा सरकार कौन रही प्रस्तुति सीधा चित्र आम ग्राउंड सामना का आणवु। जो चित्र देखुं जो बैरिकेड कर पुलिस प्रशासन विभाग अच्छा ये अपेक्षार अच्छा विभिन्न उपात सीमांत अंचल बैरिकेड कर चित्र सामना आँ रही प्रस्तुति आलोचना करवा सार कौन कहे देखूँ ये बर्तन ये बैरिकेड करगला ये उपस्थित अच्छा जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन जवाब देवाई अपेक्षार अच्छा केमी प्रस्तुत होती। जिला प्रशासन को प्रेस ब्रीफिंग जरिया मान्यवर विधायक सालुर गोटे फैट मेसेज पठाई जे आम कोटिया जबरदस्ती पशु एवं सेठी आमे फाउंडेशन स्टोन करिबु स्कूल खोलिबु सेठी आमे कल्याण मंडप खोलिबु सेठी चारा लगेबु जंगल करिबु एवं विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य करिबु एमती गोटे ऑफिशियल मेसेज देखिले जो हाई डिग्निटरी प्रेजेंट रहिबे बोली से कहिथिले। तेणु जेतेबेले एमती थ्रेट मेसेज टी आसिला जिलापाल महोदय तांकर जो मजिस्ट्रेट क्षमता अच्छी एटी से 11 जन मजिस्ट्रेट को दायित्व एवं मु निजे अतिरिक्त जिलापाल उपस्थित अच्छी आमर आईएएस प्रोबेशनर बेदभूषण अच्छा एवं समस्त मजिस्ट्रेट एवं पुलिस ऑलरेडी एटी प्रेजेंट अच्छा आम बैरिकेडिंग कर देचु जेहेतु फोर्सफुली ऑक्युपाई करने को चेष्टा करें से यही बैरिकेडिंग लगेचु एवं बैरिकेडिंग भितर रही आम सीमा बाहर को जीवु ना आज थ्रेट रे केवल रही सालुर एम एल ए बैठक करे आउ बैरिकेडिंग पाखक आसी ना आप देखु खाली अच्छी रोड एवं कौन सी प्रकार आमर लोक सब अच्छा एगुड़ा भी जहाँ देखते आमर सब लोक अच्छा
ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଭଲରି ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ଟି ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ବସିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ 200 ଗାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଇଆଡ଼ୁ ସାଲୁର ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ଯେଉଁ ଥ୍ରେଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର 500 ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ଥ୍ରେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅବଶ୍ୟମ୍ ଭାବି ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ତେଣୁ ଆମେ 11 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତାଙ୍କର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ନିହାତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଧାୟକ ଆସିବେ ଧସେଇ ପଶିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଆମର କୋଟିଟା ଆମର ଏରିଆ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ଯଦି ଆମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ଟା ରହିଛି ସେଟା କୋର୍ଟର ବିଚାରଧୀନ ଅଛି। ସେଇଟା ଇଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଭିତରେ ଏମିତି ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଲଲକାର କରିକିରି ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲଲକାର କରିକି ପଶିବା କଥା ନୁହଁ। ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଫେସର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି ସାର୍? ନାଇଁ, ଆମର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତ ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି ଷ୍ଟେଟସ୍ କୋ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉ। ତ ଆମେ ପୋଲାଇଟଲି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଷ୍ଟେଟସ୍ କୋ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ଧସେଇ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିହାତି ଷ୍ଟେଟସ୍ କୋ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଚିଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁଲିକି ପୁଣି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରର। ସତଚିତ୍ର ଯଦି ସାମ୍ନା ଆସୁଛି ସମୟ କହିବ କୋଟିଆ କାହାର। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପାରଳ ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ। ଆଜି ବନ ବିଭାଗର 2 ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ସମେତ 5 ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାରଳ ଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଆଜି ଘଟଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଓ ଜେରା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଥମରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ହେତୁ ତଦନ୍ତର ଦିଗ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଗଜପତି ରିପୋର୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଫ୍ ସମୀରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କେସ୍ ଯେଉଁ ଆୟ ନେଉଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍କୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଦିନ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ନାମରେ ବିବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ନା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ କଥା କହ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏବଂ ତା ପାଳାଗିମ୍ ଥାନାର ଉପର କୋଠରୀରେ ଥିବା 5 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲା ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତ, ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ନେବା ପରେ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ତା ସହ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଅଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଗୋଟିଏ ଯଦି କଥା କହିବା, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାଧୁରୀ, ନିହାତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ କିଭଳି ରହିବ, ଯେହେତୁ 3 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆଶା ତ କରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ପୂର୍ବ ଦିନ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଯାଇ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜେରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ତା ତଦନ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାହା ସେମାନେ ପାଇଲେ ଯେ
से जो मान मामला रुजु होती जो जो मान अभिराम महापात्र जे समीरंजन महापात्र बापा जो एतला से जो नाम जो मान एतला रुजु होता जो मैंने तदंत परिसर थे जो मैंने बिवाद से जन जन कर तदंत कर क्राइमब्रांच टीम आज मनमोद कुंभ जे रसया थे जो दिन से एस एफ समीरंजन महापात्र सरकारी बासभवन को रात रोसे करने जाते जो रोसे होता जार घरे रोसे होता एस एफ समीरंजन महापात्र घरे जो रोसे होता खादी जाऊला प्रत्येक दिन भास्कर राव एस एफ जी भास्कर राव अच्छा एस एफ समीरंजन महापात्र घर सामन रोते प्रत्येक दिन घर को एस एफ समीरंजन महापात्र घरे रोसे ही घर को जाऊला ए संपूर्ण घटना को संपूर्ण दिगर समस्त दिगू नहीं तदंत करुँ क्राइमब्रांचर चारिजिया टीम बर्तमान एक घंटा संपूर्ण दिग्क तन तन कर जांच करुँच समस्त अपेक्षा रोक जे क्राइमब्रांच कौन सुराग लगुच क्राइमब्रांच हाथ बहुत बहुत धन्यवाद गजपति रिपोर्टर जितेन्द्र पारिक आम सहित जोड़े रही आसे परवर्ती खबर को भद्रक तृष्णाराणी मृत्यु घटना पुलिस ना आसला संकीर्ण अभियोग मृत्यु को प्रेम रूप देवाई चेष्टा अभियोग आद्रक पुराणा बजार पुलिस ना तृष्णाराणी मोबाइल नथिले भी जोर जबरदस्त मोबाइल थिबा कथा कहिबा पुलिस बाध्य करुथिबा अभियोग आसुछि भद्रक पुलिस न्याय देलानी बोली तृष्णाराणी आत्महत्या करिथिबा परिवार लोके अभियोग करिछन्ते तृष्णाराणी चॉकलेट आणिबा पई जाइथिबा बेले असत आचरणर शिकार होइथिले शेख मुस्ताकिर नामक 70 वर्षीय वृद्ध असत आचरण कला हेले तीन दिन में बेल पाइला पुलिस कंप्रोमाइज करने को कहला आउ न्याय न पाई लोक लज्जा भय आत्महत्या कले युवती जहां को नहीं चरण सिंह विन्ना एंड टीम विवाद घेर को आ आसते पांच छः जन खंड आसी आगे लेडीज पुलिस आसला से डरे धमक सब कथ नहीं सारिकर आहला स्वामी घर थी नहीं फोन कर बुझीचे तुम झीर मोबाइल नंबर केते बापा कहले मो पा झीर तो मोबाइल थी नहीं तार नंबर कौन देमी तापर गाँव रही लोक मान पचारे मत भी पचारे से झी मोबाइल धरिकी तार कौड़ी कि फोन फान करे कि मो झी तो मोबाइल धरेनी कि से फोन करियो किमी भल पाए कि सी कौ तार मोबाइल अच्छी कि तुम्हें पलंग याथर बाघर कर कथा भी पचार कहीं पलंग कथा से किमी जान लें जिते बड़े द्वितीय थर पुलिस आसी आम घर भितर को जाता घर सब फटो ना सब देखी देखिकी सब पचार आम बारंडार गोटे पलंग कहले ये पलंग कम करती कि मो स्वामी पचारे मो स्वामी कही ना मो पलंग कम कैनि मुझ बेपार कै आउ झी ना कि गोटे गोटे सज करमी तो आउ एका छे कर पारिमि ना गरीब लोक आईपाई मुझे पलंगटे करी काली को छाड़ीदे ता पूर्वर केते थर आसला पुलिस तीन थर आसी उल्टी पचारे से मोबाइल धरे कि झी आसे का पाखु फोन फान करे यही कथा सब पचार आसिक कहना जे ता माटा कांदुजी आम बुझे बाझे दौ आउ कौन ता झी को फेरे दे पारिमु आम तो दे पारिमु ना गोटे सांत्वना दे कि ना बुझे बाझे दे जाऊ सी से भी करूना आसिया परवर्ती खबर को पूर्वतन प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी आज पुण्यतिथि 16 अगस्त 2018 महान बरपुत्र देहांत होता महान जननायकों श्रद्धाजलि जनवाई राजधानी दिल्लीर विजय घाट स्थित सदैव अटल परिसर में आज एक प्रार्थना सभा आयोजित विभिन्न राजनैतिक दलर नेता उपस्थित रहा स्वर्गत वाजपेयी को श्रद्धाजलि अर्पण कर अटल बिहारी वाजपेयी को देश सम्मान मन रखी नव भारत गठन में अटल बिहारी वाजपेयी अवदान अतुलनीय भारत प्रधानमंत्री भाव तीन थर कार्य करते अटल बिहारी वाजपेयी से होती प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिकि भारतीय जातीय कांग्रेस नुहति से जड़े कवि एवं लेखक भाव परिचित थे दीर्घ दिन पर आज आरंभ हो नवम श्रेणी छात्र छात्री
क्लासरूम पाठपढ़ा राज्य समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूलगुड़िक नवम श्रेणी पिला पाठपढ़ा आरंभ हो सकाल 9:00 मध्यान 12:20 जाए हेबो पाठपढ़ा रविवार व अन्य सरकारी छुट्टी दिन गुड़िक स्कूल बंद रहिबो स्कूल आसुथिबा समस्त छात्र छात्री मानंक पई अभिभावकों सहमति पत्र बाध्यतामूलक ऑफलाइन क्लास सह ऑनलाइन क्लास हेबो राज्य सरकार को कोरोना गाइडलाइन अनुसार पिलांक क्लासरूम पाठपढ़ा व हॉस्टल रे रहिबा व्यवस्था होइछि पूर्वरु जुलाई 26 तारीख रु 10म व द्वादश श्रेणी पिलांक ऑफलाइन क्लास आरंभ होइतिबा बळे आजि थारु नवम श्रेणी पिलांक क्लासरूम पाठपढ़ा आरंभ होइछि आज आरंभ हो श्रीक्षेत्रवासी वार्ड वारी जगा दर्शन दुईद सेवायत परिवार महाप्रभु दर्शन करने आज रत्न सिंहासन चतुर्थ विग्रह सानिध्य नहीं मनोवांछा पूरण करेंगे पूरीवासी सकाल 7:00 वार्ड बासिंदा तीनोटी पर्यायर संध्या 7:00 पर्यंत श्रीमंदिर जा महाप्रभु दर्शन करार सुजोग पाए से पूरीवासी मन में बेस उत्साहित पर कोविड कटकणा भितर दर्शन व्यवस्था करा भक्त माने कियोस्क निजर परिचय पत्र और प्रशासन द्वारा दि जाइयता टोकन देखा हाथ को सानिटाइज कर ब्यारिकेड्रे धाड़ी में ठिया हो सिंह द्वार दे श्रीमंदिर में प्रवेश कर उत्तर द्वार में प्रस्थान व्यवस्था कर आज 20 तारीख पर्यंत पूरीवासी महाप्रभु दर्शन करेंगे सेपटे आसंता 23 तारीख रु सर्वसाधारण दर्शन व्यवस्था कर दुख लगुला आज एत मन खुशी लगुच परिचय पत्र देख लु आधार कार्ड वार्ड प्रमाण पत्र आज प्रभु को दर्शन करते खुशी लगुच कहले अपारसा कह मैंने आम भाया दुखी लोक भी ये प्रभु समस्त आज दर्शन दौरान बहुत खुशी लगुच प्रभु केते वर्ष पर आज केते तीन मास पर खोलाई बहुत खुशी लगे ठाकुर दर्शन कर टोकन मिली 15 नवेम्बर तापर हमें आधार कार्ड धरिक आसिक प्रभु को पूरा भलरे दर्शन कलु गत 24 घंटा मध्य राज्य में 868 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते 507 जन संघरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण 361 जन पॉजिटिव चिन्हट होते 18 वर्ष कम वयस्क 104 जन शिशु व किशोर कोरोना संक्रमित अच्छा आज खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 256 जन आक्रांत होता बेले कटकु 154 बालेश्वर 52 जाजपुर 45 संबलपुर 39 और पुरी 21 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते राज्य में एवं भी 10,187 सक्रिय संक्रमित रही कटक मद दुकान को विरोध सहर जनवसती और संवेदनशील अंचल में मद दुकान खोल को विरोध कर नगर महिला कांग्रेस पक्षर विशाल राली ए शताधिक महिला सामिल होती नगर महिला कांग्रेस सभानेत्री शैलपाला जेना नेतृत्व में यह रैली आयोजन करपा कार्यालय पाखे पहुंच घेराव कर ए बाबदर अधिक सूचना पाए आम सहित कटक रिपोर्टर इमरान खान आम सहित जोड़े रही इमरान कटक विशेषकर जो सब जनवसती स्थान रही है संवेदनशील अंचल रही है जो भाव में मद दुकान खोल जाता आज विरोध कर दावी रही देखो माधुरी कटक सहर विभिन्न जनवसती अंचल और संवेदनशील अंचल मानक जो मद दुकान खोल जाता जोरदार विरोध करके आज राजरास्ता को कटक नगर महिला कांग्रेस और प्रथम दृश्य देखेबी ये होची सभा सभा जो सभार वर्तमान किसी समय पर एक विशाल रैली बाहर जो रैली जिलापा कार्यालय पाखे पहुँचे से जोरदार विरोध प्रदर्शन करा जो भाव में कटक सहर जनवसती अंचल कथा कहतु संवेदनशील अंचल खास करके धर्मानुष्ठान शिक्षानुषान कथा कहतु से भाव में छतु फुटला भाया मद दुकान खोलुची जहाँ को जोरदार विरोध करके आज राजरास्ता को कटक नगर महिला कांग्रेस और यही विरोध प्रदर्शन जोरदार तेजी जहाँकि
किसी दिन पूर्व चेतावनी देता कटक नगर महिला कांग्रेस और यही रैली बाहरिकी सीधा सड़क जिलापा कार्यालय पाखे पहुँचा पहुँचला जिलापा कार्यालय घेराव करा जो जो दाबी रही महिला कांग्रेस जो जो जगार मद दोकान बंद करने पूर्व दाबी होता से दाबी को पुणि थे दोहरब महिला कांग्रेस और किसी दिन पूर्व जो चेतावनी दि जाता यह चेतावनी जो से कहीं कौन से कार्यानुषान नि जाए से दाबी करते आम सहित अच्छा कटक नगर महिला कांग्रेस सभानेत्री शैलाबड़ा जेना ठू सीधा सड़क मध्य प्रतिक्रिया कौन कहते शुणतु आज महिला कांग्रेस ए योजना को हाथ को नहीं सरकार जो कटक सहर ऐतिह्य संपन्न सहर को भांगी रुजी गोटे मधुआ सहर में परिणत करने को चाहते मंदिर कहतु मस्जिद कहतु स्कूल कहतु यही सब धार्मिक अनुष्ठान स्कूल कॉलेज ए सब पाखरे जो मद दुकान गुड़िक परमिशन दे देते आम विरोध करुचु ए सहर ऐतिह्य क्षुण्ण न हो आम अनुरोध करुचु प्रशासन को सरकार को जे तुरंत सरकार निष्पत्ति प्रत्याहार करंतु जो जो जगार मद दुकान परमिशन दे जगार दूरे करंतु आम मना करूनु जे मद दुकान करंतु ना बोली करंतु किंतु दूरे करूँ दाबी करते जो अबकारी रही कमिशनर तक सहित मतलब आलोचना करते कि फलाफल बाहर ना कि देखु आम मैंने जाइलु कमिशनर पाखक से दिन आप उपस्थित थे से मैंने जो गोटे आम मेमोरेंडम टे नापी जो प्रकार जात्रा कले आम विधायक बाध्य होगी दुई घंटा से धारण में बसिले आम मैंने समस्ते थू से दिन कौन सी फल है ना आम देलापर तेणु अपेक्षा कर आज महिला कांग्रेस हाथ को नहीं कार्यक्रम कारण ये खाली महिला कांग्रेस नहाती कर्मी ये साधारण स्त्री लोक मैंने घर बाहरी आज साधारण स्त्री लोक मैंने जार पर नष्ट हो मदपी जार बापा टीए ना झील टीए बाप छंड स्त्री टीए स्वामी हरा हो माँ टीए पुत्र हरा हो स्वामी हरा हो जाए पर स्त्री लोक मैंने आज ये रुंड होती मतामत दौले आपने देखुले से ही स्त्री लोक सहित आम जिलापा भेटबू मेमोरेंडम दबू तुरंत ए संवेदनशील अंचल मद दुकान हटा जाऊ ना महिला कांग्रेस आईन को हाथ को नब प्रतिक्रिया शुणुते कटक नगर महिला कांग्रेस सभानेत्री शैलाबड़ा जेना जहाँकि चेतावनी दौले जो भी भाव में कटक सहर जनगहली अंचल खास करके जनबसति संवेदनशील अंचल मानक जो मद दोकान खोल जाने जोरदार विरोध करदियो बंद करान जाए तो आहरी जो आंदोलन को तीव्र करेंगे बोली सीधा सड़क चेतावनी तापर आहरी दृश्य मुझे देखेबी जे महिला कांग्रेस सहित साधारण जो रही महिला मैंने सामिल होती सहित युव कांग्रेस कर्मकर्ता सामिल होती ये विशाल सभा बर्तन कर सभा पर यह रैली यूँ बाहर जो रैली जा सीधा सड़क जिलापा कार्यालय घेर कर जो भी भाव में आप प्ला कार्ड देखुवे से प्ला कार्ड में विभिन्न प्रकार स्लोगान लिखा जाए कटक सहर को मदमुक्त करने जो महिला कांग्रेस पक्षर बर्तमान दाबी कर सहित जो जो पूर्व दाबी होता से अबकारी कमिशनर के पास जाकि भेटी एक दाबीपत्र कि दाबीपत्र कौट ना कौटी जो आलोचना हवा कथा से सठिक भाव में आलोचना होना कौन से परवर्त समय बर्तमान जो विरोध कर आगामी दिन में मध्य आंदोलन को तीव्रतर कर चेतावनी दी जाए बहुत धन्यवाद कटोग्राम रिपोर्टर इमरान खान आम सहित जोड़े रही थे आसिया परवर्ती खबर को तालिबान दखल में संपूर्ण अफगान साम्राज्य इस्तफा देवासह देश छाड़े राष्ट्रपति अशरफ घनी तालिबान काबुल दखल पर किसी नेता देश छाड़ ताजिकिस्तान पलायन कर राष्ट्रपति अशरफ घनी एवं अफगानिस्तान नुआ सरकार नेतृत्व नेबे तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल घनी राष्ट्रपति भवन को निज कब्जा को नहीं तालिबान सेना भय और द्वंद्व अफगान बासिंदा सेपटे देश छाड़ पलाई राष्ट्रपति अशरफ घनी विलंबित राति फेसबुक रे पोस्ट कर निजर प्रतिक्रिया रखिंट से अफगानिस्तान रक्तपात परिस्थिति उपुजी था एभली परिस्थिति न उपजापी से देश छाड़ पलाई जाता नहीं फेसबुक रे पोस्ट जरिया स्पष्ट करपटे गतकाली 138 जन भारतीयों को एयर इंडिया विमान जोगे काबुल सुरक्षित भाव दिल्ली अणाई है अफगानिस्तान राजधानी काबुल को तालिबान निज अधीन को नेबा परे अपराह्न एयर इंडिया विमान भारतीयों को धरी काबुल विमान बंदर दिल्ली अभिमुखे यात्रा कर समय सारी बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।